यूजी कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि मैं कभी भी मठाधीश बनकर बात नहीं कर सकता हूं, यह बहुत ही बनावटी है। मठाधीश की तरह गद्दी पर बैठना और चीजों के बारे में काल्पनिक या अदृश्य ढंग से बात करना अपना समय नष्ट करना है। एक क्रोधी व्यक्ति कभी भी ना तो बैठता है और ना ही बात करके अपने क्रोध को सुख में बदलता है। इसलिए तुम मुझसे यह मत कहो कि तुम संकट में हो, तुम क्रोध में हो। क्रोध की बात क्यों करें? तुम एक आशा में जीते हो और मरते हो, तुम आशाओं के बोझ से दबे हुए हो। और यदि तुम्हें यह जीवन निराशपूर्ण लगता है तो तुम अगले जीवन की खोज करो, जीवन स्वयं नहीं आएगा। प्रश्न करता है, यह सच है कि निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि आपकी बातें किसी को भी आशा देंगी। यदि आप किसी को दिलासा नहीं दे सकते या उसे रास्ता नहीं दिखा सकते तो फिर आप बोलते ही क्यों हैं? यूजी कृष्णमूर्ति। मैं यहां बोल रहा हूं क्योंकि तुम आते हो तो मैं बात करता हूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी आलोचना करूं, तुम पर पत्थर फेंकूं? यह सब निश्चय ही बेकार होगा, यह सब तुम्हारे लिए दुर्भाग्यजनक होगा, क्योंकि तुमने अपने चारों ओर एक अभेद्य दुर्ग रच रखा है, इसलिए तुम कुछ भी महसूस नहीं करते। तुम अपनी स्थिति को समझ पाने में असमर्थ हो। तुम अपने चिंतन के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हो, जो तुम्हारी अपनी ही सोच और मनोभाव है। प्रतिक्रिया ही विचार है। जो दर्द तुम्हें वहां हो रहा है वह बिना अनुभव के हो रहा है। यहां तो कोई अनुभव है ही नहीं, बस यही सब कुछ है। इस स्वाभाविक स्थिति में तुम दूसरों का दर्द महसूस करते हो, भले ही तुम उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो या नहीं। हाल ही में मेरा बड़ा लड़का नजदीक के ही एक अस्पताल में कैंसर से मर रहा था। मैं पास में ही रहता था और अक्सर उसके पास आता जाता रहता था। मित्रों का कहना था कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक मैं पूरे समय गहरे दर्द में रहा, मैं कुछ नहीं कर सका। यह दर्द जीवन की एक अभिव्यक्ति है। वे लोग चाहते थे कि मैं उसके कैंसर को समाप्त करने के लिए किसी तरह का कुछ करूं, यदि मैं उसे छू दूं तो वह बच जाएगा, उसे जीवन देने से मेरी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। कैंसर ऊतकों की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी है, यह एक प्रकार से जीवन की अलग तरह की अभिव्यक्ति है। इसलिए यदि मैं कुछ भी करता तो वह जीवन को बढ़ाने वाला ही होता। प्रश्न करता, तो इस प्रकार आप दूसरों के दर्द की प्रशंसा कर सकते हैं और स्वयं उससे अभी तक मुक्त हैं, क्या ऐसा नहीं है? क्यों जी, दर्द को झेलना एक अनुभव है और मेरे अंदर कोई अनुभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम अलग हो और जीवन अलग है, ये दोनों बिल्कुल एक ही हैं। और यदि मैं इसे इसके सिवाय कुछ और बताता हूं तो वह भ्रम पैदा करने वाला होगा। तुम व्यक्ति नहीं हो, एक वस्तु नहीं हो, ना ही अन्य वस्तुओं से घिरा हुआ पृथक अस्तित्व हो। क्षणों का एकत्व ऐसी वस्तु नहीं है जिसका तुम अनुभव कर सको। प्रश्नकर्ता, लेकिन बिना वह अनुभव के जीवन जीने की बात हम लोगों को अतार्किक मालूम पड़ती है। यूजी, जो कुछ मैं कह रहा हूं वह आपके इस तार्किक ताने बाने का विरोधी है। तुम इस तर्क का उपयोग इस ढांचे के खंडित स्वरूप को बनाए रखने के लिए करते हो, बस इतना ही है। चूंकि तुम्हारे प्रश्न विचार हैं
इसलिए प्रतिक्रियात्मक हैं। सभी विचार प्रतिक्रियात्मक ही होते हैं। तुम निराश होकर अपने विचारों के उस कवच को बनाए रखना चाहते हो और इस बात से डरते हो कि कहीं जीवन का कोई क्षण इसे नष्ट ना कर दे। जीवन एक उफनती हुई नदी के समान है जो अपने किनारों को छूती है, तटों को तोड़ती है। तुम्हारी वैचारिक संरचना और तुम्हारी सच्ची मनोवैज्ञानिक बनावट सीमित है, लेकिन जीवन सीमित नहीं है। यही कारण है कि जीवन का स्वतंत्र रहना इस शरीर के लिए दुखदायी होता है। जीवन की ऊर्जा का जो अनंत स्रोत फूटता है वह इस शरीर के लिए कष्टकारी होता है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह तुम्हारे स्वप्न में किस तरह आता है। इसलिए यह तुम्हारे लिए भ्रम पैदा करने वाला होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपनी इस बात को किस तरह कहता हूं। प्रश्न करता, हमारे गुरु और पादरी भी यही सिखाते हैं कि कोई खंडित संरचना नहीं है और यही हमारी समस्याओं का मुख्य स्रोत है। आप इनसे भिन्न कैसे हैं? क्यों जी, तुम्हारे लिए और उनके लिए भी यह मात्र एक शब्द है। जीवन के एकात्म क्षण के प्रति तुम्हारा विश्वास केवल आधारहीन विश्वास है जिसमें निश्चितता की कमी है। हमने बड़ी चालाकी के साथ उन बातों को तार्किक ढंग से स्वीकार कर लिया है जो गुरुओं और धर्म ग्रंथों ने हमें सिखाई हैं। तुम्हारा विश्वास इन लोगों के अंधानुकरण का परिणाम है, एक तरह के कचरे जैसा। तुम अपने विश्वास से अलग नहीं हो। जैसे ही तुम अपने इन अमूल्य विश्वासों और भ्रमों से छुटकारा पाओगे वैसे ही तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा। तुमसे मेरा बात करना तुम्हारे उस दर्द का उत्तर देने से अधिक कुछ नहीं है जिसकी अभिव्यक्ति तुम अपने प्रश्नों, तर्कों तथा अन्य तरीकों से कर रहे हो। प्रश्नकर्ता, लेकिन यह तो निश्चित है कि आपके साथ यहाँ बैठने और घंटों बातें करने से ऐसा लगता है कि आपके पास एक दर्शन है, दूसरों के लिए संदेश है, भले ही आपके श्रोता उसे ठीक से समझ ना सके। यूजी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो बातें कर रहा हो, सलाह दे रहा हो, दर्द का या किसी भी चीज का अनुभव कर रहा हो। जिस प्रकार यदि एक गेंद दीवार पर फेंकी जाए तो वापस लौट आती है, ठीक उसी तरह यह भी है। मेरा बात करना तुम्हारे प्रश्न का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ मेरा अपना कुछ नहीं है। यहाँ ना तो कुछ स्पष्ट है और ना ही कुछ छिपाया जा रहा है। ना तो कुछ नई चीज बताई जा रही है और ना ही बेची जा रही है और ना ही कुछ सिद्ध किया जा रहा है। प्रश्नकर्ता, लेकिन शरीर नश्वर है और हम सभी एक तरह की अमरता चाहते हैं। स्वाभाविक है कि इसके कारण हम एक महान दर्शन, धर्म या आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होते हैं। यह निश्चित है कि यदि हम यूजी, यह शरीर ही है जो अमर है। यह मृत्यु के बाद केवल अपना रूप बदलता है, एक नए रूप में इस जीवन के प्रवाह में उपस्थित रहता है। यह शरीर जीवन के पश्चात या किसी भी तरह अमरत्व से संबंधित नहीं है। यह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है और विकसित होता है। सच तो यह है कि मृत्यु उपरांत की तुच्छ कल्पना इस दिमाग ने भय के कारण गढ़ी है और यह कमोबेश एक तरह से परिवर्तित रूप की ही मांग है। एक ही चीज की बार बार मांग करना ही स्थायित्व की मांग करना है। यह स्थायित्व शरीर के लिए अनजाना है।
चिंतन के द्वारा स्थायित्व की मांग के कारण शरीर बाधित होता है और उसकी कल्पना शक्ति नष्ट होती है। चिंतन अपने आप को केवल अपनी ही निरंतरता के संरक्षक के रूप में नहीं देखता, बल्कि शरीर की निरंतरता के रूप में भी देखता है। दोनों ही पूरी तरह से गलत हैं। प्रश्नकर्ता, इससे तो ऐसा लगता है कि एक तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन बिना इच्छा के, बिना किसी हस्तक्षेप के। यूजी, यदि यह अपने आप को नष्ट किए बिना घटता है तो यह यहीं समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं बच सकेगा कि तुम इसे रोक सको और स्थिति को बदल सको। तुम इसके साथ चलने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकोगे। ये वे हैं जिन्हें तुमसे मुक्त होना चाहिए। जिस तरह के बेकार प्रश्न तुम पूछ रहे हो, वह तुम्हारे द्वारा उद्देश्य को छोड़ देने से स्वयं ही गायब हो जाएंगे। ये सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसमें से कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। प्रश्नकर्ता, इस तरह की बात तो असहनीय सी है। हम विस्मृत और पूर्ण विनाश से डरते हैं। यूजी, अगर तुम तैरते हो तो तैरते रहोगे, डूबोगे नहीं। इसमें मेरे द्वारा की गई सहायता के वचन का क्या अर्थ है? यह अर्थहीन है। तुम वही करते रहोगे जो कर रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम आशा या इच्छा के लिए काम करना बंद कर दोगे तो फिर भी वहां यह उम्मीद शेष रहेगी कि वहां जरूर कोई रास्ता होगा। शायद मैं उसे सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूं। दूसरे शब्दों में, हमें किसी भी वस्तु पर आश्रित रहने के बेतुकेपन को अस्वीकार करना होगा। हमें अपनी असहायता का मुकाबला करना चाहिए।